जय भीम। नमो विद्यार्थियों, साथियों, आजकल आप कांवड़ यात्रा देख रहे होंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे जिसमें ये जो कांवड़िए हैं ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं पर ट्रक को जला रहे हैं तो कहीं पर जो ई रिक्शा है उसकी तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कहीं पर ढाबे को ही तहस नहस का डाल रहे हैं, तो कहीं पर सड़क के बीचों बीच जो फ्लैप्स लगे हुए हैं जिससे कि सामने से पड़ने वाली रोशनी से जो आंखें चुंधिया जाती हैं और जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना होती है, उन फ्लैप्स को ही तोड़ डाला। तो ये सब जो है, जो कांवड़ यात्री हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या उनका धर्म यह हिंसा करने के लिए कहता है, या फिर योगी सरकार जो कि हिंदुओं की सरकार है, एक उस पर सन्यासी के रूप में व्यक्ति जो चोला ओढ़ के बैठा हुआ है, साक्षात हिंदुओं का साधु सन्यासी उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्या उस साधु सन्यासी के राजकाज पर उनको भरोसा नहीं है, क्या उसके शासन पर, उसके शासन के द्वारा जो प्रशासन चलाया जा रहा है उस पर उनको भरोसा नहीं है, आखिर बात क्या है? ये जो कांवड़ यात्री हैं जो कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार गए हैं, आखिर वो ऐसा जो हिंसा का तांडव है वो आखिर क्यों कर रहे हैं? इस बात को सोचने के लिए आज देश का हर युवा, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर महिला सोचने के लिए मजबूर है। और इस हिंसा के तांडव से हर एक व्यक्ति के मन में इन कांवड़ियों के प्रति डर विद्यमान है। ये कांवड़िए किसके सगे हैं, क्या हिंदुओं के सगे हैं या फिर किसी और के सगे हैं, हालांकि मुसलमानों से तो इनकी जन्मजात दुश्मनी है। अगर इन्हें पता ना हो तो योगी, मोदी और आरएसएस जैसे तमाम संगठन को बताने का काम कर देते हैं कि तुम्हारे जन्मजात दुश्मन जो है मुसलमान है। बचपन से जब पैदा होते हैं और जब तक जीते हैं तब तक इन्हें एक ही घुट्टी पलाई जाती है कि हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के तो सगे हो नहीं सकते हैं, क्या हिंदुओं के सगे हैं? क्या कोई हिंदू रास्ते से जा रहा हो और इनसे थोड़ा सा तमीज़ से चलने के लिए कह दे तो क्या ये उसको बख्शेंगे? बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। कारण क्या है? कारण साफ साफ है कि जो चित्त इन्होंने धारण कर रखा है, जो भाषा इन्होंने धारण कर रखी है और जो हिंदुत्व का एग्रेशन इन्होंने धारण कर रखा है, उसमें जो भी इनके सामने आएगा उसको ये जलाकर भस्म कर दें। इनके लिए कोई सगा नहीं है। इनसे ये कह दिया कि भाई नशा क्यों कर रहे हो आप, बीड़ी सिगरेट क्यों पी रहे हो आप, गांजा सुल्फा क्यों पी रहे हो, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, आप जो है बियर पी रहे हो, शराब पी रहे हो, आप नाना प्रकार के ये जो नशा कर रहे हो ये गैर सामाजिक है, समाज में ये किसी को पसंद नहीं है, आपको देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप धार्मिक हो, आपको कोई भी देखकर यही कहेगा कि आप अपराधी हो। पूरा देश कह रहा है कि जो कांवड़ यात्री हैं, जो हिंसा का तांडव कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, वे अपराधी हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि ये अपराधी हैं, लेकिन इस देश में, इस देश की सरकार, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी शासन उन्हें अपराधी की नज़र से नहीं देखता है, उन्हें केवल और केवल धार्मिक यात्री की तरह देख रहा है। धार्मिक यात्री होता क्या है? अगर धार्मिक यात्री की बात करूं, तो फाइयान, युआन च्वान, इत्सिंग जैसे चीनी यात्री चीन से पैदल भारत की यात्रा के लिए आए। वे भारत की यात्रा के लिए क्यों आए? क्योंकि जो भगवान बुद्ध का धम्म चीन में गया था, वहाँ पर उस धम्म को समझने में कुछ गलतफहमियाँ होने लगी, तो उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए ये चीनी यात्री समय समय पर भारत की यात्रा के लिए तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए, भूखे प्यासे रहकर
और बिल्कुल पैदल चलकर भारत की यात्रा करने के लिए आए, और भारत से तमाम साहित्य जो उस वक्त उपलब्ध था उनको ढो ढोकर जो है चीन लेकर गए। मैत्री, करुणा, भाईचारा, इन तत्वों का उनके चित्त में समावेश था। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं। इसीलिए ये यात्री चीन का अगर आप मैप देखेंगे जहाँ से ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं और कितना लंबा रूट इन्होंने तय किया और कितने साल इन्होंने जो है ये यात्रा की और उसके बाद सुरक्षित अपने देश अपने घर पहुँचते हैं। इनकी सुरक्षा का केवल एक ही कारण था और वो था भगवान बुद्ध का इनके लिए महत्वपूर्ण संदेश। अगर इन कांवड़ियों की तुलना उन चिरी यात्रियों से की जाए तो हम पाएंगे कि ये कांवड़ यात्री जो हैं किसी भी सूरत में धार्मिक यात्री नहीं है। धर्म के नाम पर अगर आप इनसे एक भी बात पूछ लें, जिस प्रकरण को, जिस यात्रा को ये कर रहे हैं, उस यात्रा का कहाँ पर वृत्तांत मौजूद है, कौन सी किताब है, कौन सा पुराण है, अगर इनसे पूछ लें तो इनको कोई पता नहीं है, क्योंकि अधिकांश कांवड़ यात्री नशा करने वाले लोग हैं। वे इस दौरान, जो ये महीना है, इस दौरान केवल मौज मस्ती के लिए कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। कुछ श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धा उनकी जो है अंधविश्वास और पाखंड पर आधारित है। अंधविश्वास और पाखंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात चुभ जाए, लेकिन मैं हर बात की जो है जाँच करता हूँ, परख करता हूँ। मैं अंधविश्वास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस बात पर हमें कोई जानकारी ना हो और हम किसी के कहने पर ही वो बात को मान लें तो उसे अंधा विश्वास कहते हैं। फिर किसी ने हमें कह दिया और वो हमें जांच करने से मना कर दे और फिर भी हम उसको मान रहे हैं, ये जानकर भी कि जो आदमी जांच करने के लिए मना करता है वो चोर होता है, झूठा होता है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन सच बोलने वाला नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से पहली बात तो ये है कि जो कांवड़ यात्री श्रद्धालु हैं, अपने आप को श्रद्धालु मानते हैं, जब उन्हें कांवड़ के बारे में बताया गया, कांवड़ यात्रा के लिए कहा गया कि उन्हें कांवड़ यात्रा करनी चाहिए, तब उन्होंने किसी से यह प्रश्न ही नहीं किया कि कांवड़ यात्रा क्यों करनी चाहिए, इससे उन्हें क्या लाभ होगा। दूसरा ये है कि अगर किसी ने भूले बिसरे अगर कोई प्रश्न कर भी लिया हो तो किसी ने भी, तो जिसने उन्हें कांवड़ यात्रा के लिए कहा तो उन्होंने उन्हें जांच करने से ही मना कर दिया होगा, प्रश्न करने से ही मना कर दिया होगा। क्योंकि अगर कोई भी कांवड़ यात्री, कोई भी श्रद्धालु अगर इस तरफ जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो फिर कांवड़ यात्रा लेने वो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर इतना सा काम कर ले, थोड़ी सी जांच कर ले कि इस कांवड़ यात्रा से मुझे क्या लाभ होगा और मुझे क्या हानि हो सकती है। दूसरी बात ये कि एक धार्मिक यात्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्या उसके स्वभाव में जरा सी भी हिंसा होनी चाहिए। अगर किसी भी धार्मिक यात्री के मन में जरा सी भी हिंसा है तो वो कोई धार्मिकता है ही नहीं, धार्मिक स्वभाव ही नहीं है, उसकी धार्मिक यात्रा वहीं पर समाप्त, वहीं पर ख़त्म। फिर ये तो आप देख रहे हैं कि मन में हिंसा नहीं है, कर्म में भी हिंसा है, और हिंसा कितने लोगों को झेलनी पड़ रही है। भगवान बुद्ध संयम की बात करते हैं, जिस बौद्ध भिक्षु में संयम नहीं है और जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए नियम हैं, अगर किसी बौद्ध भिक्षु ने उस नियम का उल्लंघन कर दिया तो उस भिक्षु को भिक्षु संघ से ही बाहर कर देते हैं, जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करते। क्या ऐसा कोई नियम हिंदुओं के पास है कि कोई धार्मिक यात्री, यदि कोई कांवड़िया यदि इस धार्मिक स्वभाव का उल्लंघन करे तो उसको कांवड़ यात्रा करने से वंचित कर दिया जाए, निषेध कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, हिंदुओं का केवल अधर्म से मतलब है। धर्म वो जो मानव का कल्याण करे, खुद का कल्याण करे और दूसरों का कल्याण करे, अधर्म वो जो खुद का भी नुकसान करे और दूसरों का भी नुकसान करे। जो ये कांवड़ यात्री हिंसा का तांडव कर रहे हैं
इससे ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं और समाज का भी नुकसान कर रहे हैं, समाज में भय व्याप्त कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ये आतंक फैलाने का एक कार्यक्रम है, ऐसी गतिविधियों से लोग आतंकित होते हैं, आसपास जो लोग इनको देख रहे होंगे इनसे भयभीत होंगे, इनके हाथ में डंडे हैं और डंडों का ये जो है हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इनको कांवड़ यात्री कहा जाए, कैसे इनको धार्मिक यात्री कहा जाए, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मैं बार बार जो है आगाह करता हूँ कि आप जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को परिभाषित कीजिए, अंधविश्वास पाखंड अंधश्रद्धा को परिभाषित कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मनुवादी जजेज वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी विचारधारा के जजेज हैं, तो वे सुओ मोटो एक्शन नहीं लेते हैं। जबकि आज भारत के भीतर अराजकता का माहौल तैयार है, किसी भी क्षण मणिपुर कांड हो सकता है, किसी भी क्षण नूह का कांड हो सकता है, किसी भी क्षण देश के भीतर ये जो अराजकता की आग है इसकी लपटें हमें दिखाई देने लग सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद करके बैठा है, अपने कान बंद करके बैठा है, केवल मुंह के द्वारा जो प्रशासनिक जजमेंट्स हैं उनको डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। इस देश के लोगों के कल्याणार्थ, इस देश के लोगों की भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए, उनको स्वस्थ करने के लिए, इस देश के लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों को स्वस्थ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई कदम नहीं उठा रहा, बल्कि ये जो स्थिति है रीति रिवाज परंपराओं भावनाओं धार्मिकता के आधार पर पहले से और भी भयावह होती जा रही है, अंधश्रद्धा और भी भयानक रूप लेती जा रही है। अब लोगों को अगर कुछ समझाओ तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सुनने से इनकार कर देते हैं, तो कैसे समझाएंगे, जबकि संविधान जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करती है। तो इसीलिए मैं बार बार भारत के सुप्रीम कोर्ट से एक ही अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साइंटिफिक टेम्परामेंट को परिभाषित करे, अंधश्रद्धा अंधविश्वास पाखंड को भी परिभाषित करे। अगर दोनों को परिभाषित ना कर सके तो जिस एक को परिभाषित कर सकता हो उस एक को परिभाषित कर दे। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही परिभाषित कर सकता हो तो खाली साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही परिभाषित कर दे, उसके आधार पर भी देश के लोगों में वैज्ञानिक सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ने लगेगी। लेकिन इसके अभाव में भारत का सुप्रीम कोर्ट ये आशा करे और हाथ पे हाथ रख के देखता रहे बैठा रहे कि देश के लोग जो अपने भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आएंगे, बेकार की बातें हैं, उलझुल बातें हैं, बकवासबाजी है, देश के लोगों के साथ में गद्दारी है, देश के लोगों के साथ में धोखा है, बेईमानी है। तो साथियों, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत के संविधान में मौजूद साइंटिफिक टेम्परामेंट को सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी परिभाषित करना ही चाहिए। इस बात के लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, आप लोगों को ढोल नगाड़े बजाने पड़ेंगे, आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश की बर्बादी निश्चित है। इस देश में भगवान बुद्ध का इतना महत्वपूर्ण धर्म जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है, उसके पुनर्स्थापना के फिर कोई अवसर नहीं रहेंगे। साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करें और इसको शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।